नमस्कार फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ले लिया कढ़ाई। इसमें दो बड़े टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और यहाँ पे अब हम एक टेबल स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। हाथों से हल्का से मैश कर लेंगे और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अजवाइन हमारी जब तक पक रही तड़का देख लें। लहसुन, हरी मिर्च 5 से 6 हैं, अदरक का एक छोटा टुकड़ा है, प्याज है और लहसुन, इनको भी हम डाल देंगे एंड गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि क्या बन रहा है, तो यहाँ पे बन रही है अरवी की भुंजिया, जिसको आप बच्चों के टिफ़िन में व दाल के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल ईजी और आसान से ये भुंजिया है। आज हम भुंजिया बनाएंगे ग्रेवी की। ग्रेवी नहीं डालेंगे, विदाउट ग्रेवी, इसलिए आपको भुंजिया बनाना ये रेसिपी हम बता रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से चला लेंगे क्योंकि यहाँ हमने अजवाइन डाला, अगर नहीं चलाएंगे तो अजवाइन काली हो जाएगी। यहाँ पे हमने कढ़ी पत्ता ले लिया है, थोड़ा से कढ़ी पत्ता डालने से हमारी इस रेसिपी में स्वाद डबल हो जाएगा। इस रेसिपी को आप भी एक बार ट्राई करें फ्रेंड्स। तड़का हमारा जब तक गोल्डन ब्राउन हो रहा तब तक हम उधर मसाले निकाल के रख लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, तड़का हमारा गोल्डन फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन। अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार से हैं, हम आपको दिखा दें। मसाले यहाँ पे हमने लिए 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, चला लेंगे अच्छे से, नहीं तो हल्दी हमारी काली पड़ जाएगी। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे अमचूर पाउडर और धनिया पाउडर। गरम मसाले का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे हमको। अच्छी तरह से चला लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखें। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। हाई फ्लेम पर बिल्कुल गैस न रखें। यहाँ पे हमने जलजीरा पाउडर ऐड किया थोड़ा सा, ताकि सब्ज़ी हमारी चटपटी हो जाए। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अरवी को धोकर उबाला था और छील के फिर से अच्छे से पीसेस बना लिए हैं। यहाँ पे हम अच्छे से अरवी को फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से पकाएंगे फ्रेंड्स, ताकि इसमें अच्छे से सौंधापन आ जाए और हमारी भुंजिया अच्छे से बने। तो अरवी की भुंजिया फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस भुंजिया को आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। और अजवाइन डालने के बाद इसमें पेट में फ़ायदा करता है, नुकसान भी नहीं करता, जबकि कुछ अरवी में बादी होती है तो बादी निकल जाती है, इसलिए यहाँ पे हम अजवाइन का इसमें थोड़ा सा ऐड किए हैं। अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे, 10 से 15 मिनट तक इसी तरह चला चला के हम पकाएंगे। अब यहाँ पे हम लेमन जूस ऐड करेंगे, आधा लेमन जूस यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ताकि अरवी हमारी अच्छे से, जो ज़्यादा फ्लफी है, चिपक रही है, ये कम चिपके। सारा लेमन जूस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो सभी बनाते हैं, आप भी एक बार ऐसे ट्राई करें और कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।